दोस्तों रिसेंटली पर व्हाट्सएप ने भी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज किया और ऐसा होने के बाद दोस्तों चारों ओर हंगामा मचा हुआ है और यूट्यूब पर दोस्तों काफ़ी सारी वीडियोस आपको इसके ऊपर देखने को मिल जाएंगी, जहां पर दोस्तों काफ़ी सारी बातें बताई जा रही हैं। और इन सब चीज़ों को यदि हम साइड में रखें तो कुछ लोगों को दोस्तों यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है कि क्या व्हाट्सएप हमारी जो चैटिंग है उसको भी पढ़ेगा, क्या हमारे पास जो मीडिया फाइल्स आती हैं या फिर जो हम सेंड करते हैं उनका रिकॉर्ड भी रखेगा। दोस्तों आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या व्हाट्सएप हमारी चैट्स वगैरह है उनको रीड करता है, उनको मीडिया वगैरह जो सेंड करते हैं उनको स्टोर करता है या नहीं करता है। आज की वीडियो दोस्तों हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आपको जानना दोस्तों तो वीडियो के अंत तक जरूर से देखिए। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको मेरे चैनल का कॉन्टेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो सो गाइस, यहां पर जैसा कि आप सभी को पता है व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज की है, जहां पर दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर आपने भी मैसेज देखा होगा, एक पॉपअप विंडो देखा होगा जहां पर उसकी सारी नई प्राइवेसी पॉलिसी दिखाई जा रही हो, जिनको एक्सेप्ट और डिक्लाइन करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है। जहां पर भी आप इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आगे चल के कुछ दिनों बाद यहाँ तक पर दोस्तों व्हाट्सएप का आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अब दोस्तों प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि क्या हमको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर दोस्तों ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बन चुकी हैं जहाँ पर दोस्तों आपने देखी भी होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आज का मेन टॉपिक मैंने आपको बताया कि लोग ये सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अब व्हाट्सएप हमारे डेटा वगैरह को शेयर कर सकता है, तो क्या वो हमारी चैटिंग्स वगैरह जो हम करते हैं उनको भी वो शेयर कर देगा। दोस्तों आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हम व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसका हमको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। चार्ज नहीं देना पड़ता दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि ये सब अपने रेवेन्यू कैसे जनरेट करते होंगे। तो ये सारी जो भी दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है, ये सभी लोग हमारा डेटा सेल करते हैं, हमारा डेटा बेचते हैं और वो बेचा जाता है एड्स कंपनियों को, जिससे कि दोस्तों वो उस चीज़ को एनालाइज करके हमको वही उसी से रिलेटेड जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं उससे रिलेटेड हमको एड्स वगैरह सामने दिखाएं। तो अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि व्हाट्सएप जो है वो हमारी चैटिंग वगैरह को शेयर करेगा कि नहीं करेगा। तो आप ही सोचिए दोस्तों, आप जो चैट कर रहे हैं क्या उसको शेयर करने से कुछ यहाँ पर फ़ायदा है व्हाट्सएप को? और वैसे भी दोस्तों व्हाट्सएप ये चीज़ उसमें बोलता है व्हाट्सएप की जो आपके टेस्ट होते हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं, मतलब कि व्हाट्सएप को भी नहीं पता कि आप क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपने मैसेज को टाइप किया वो इनक्रप्टेड हो जाता है, वो यहां पर दोस्तों एनकोड हो जाता है, जो सामने वाले के पास जाने के बाद वहां पर डिकोडिंग की प्रोसेस होती है, सामने वाले को मैसेज दिख जाता है, मतलब कि बीच में व्हाट्सएप को भी नहीं पता कि क्या मैसेज सेंड हुआ है, ऐसा व्हाट्सएप कहता है। बाकी दोस्तों रियल क्या है वो तो हम नहीं बोल सकते, वो व्हाट्सएप तो यही कहता है कि मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। और इसके अलावा जो मीडिया फाइल्स हम सेंड करते हैं तो वो भी व्हाट्सएप बोलता है कि उनको हम सर्वर पर स्टोर करके नहीं रखते हैं, जैसे ही हमने कोई फाइल सेंड की वो सामने वाले पास पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद दोस्तों व्हाट्सएप बोलता है कि उसको वो अपने सर्वर से भी हटा देते हैं। अब बाकी इसके पीछे भी कितनी सच्चाई है इसके बारे में दोस्तों हम नहीं कह सकते यहाँ पर दोस्तों। लेकिन अब ये बात भी होती है कि जो व्हाट्सएप है उसकी पेरेंट कंपनी क्या है? फेसबुक है। और फेसबुक पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? आपको तो पता है कितने सारे यहाँ पर डेटा लीक किया है पिछले सालों में फेसबुक ने, उसके ऊपर कितना ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर उसको अमाउंट भी पे करना पड़ा इस चीज़ को लेके। तो यहाँ पर दोस्तों भरोसा तो हम उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों व्हाट्सएप का यूज़ हम सभी लोग करते ही हैं। और यहाँ पर दोस्तों बात ये आती है कि क्या चैट्स वगैरह को वो शेयर करेगा आगे चल के, मतलब कि उसको कहीं और शेयर करेगा डेटा के साथ? दोस्तों यहाँ पर चैट को शेयर करने से उसको ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता है। मेन चीज़ है आपका डेटा, आपकी लोकेशन, आप क्या स्टेटस डाल रहे हैं, और आपके कैमरा वगैरह का एक्सेस तो ऑलरेडी लेता ही है। और इसके अलावा दोस्तों आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है सारी चीज़ें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, और इससे आपकी जो भी इंटरेस्ट है वो दोस्तों वो उसके अनुसार आपको एड्स दिखाई जाते हैं, क्योंकि वो डेटा वो शेयर करेगा आप फेसबुक के साथ। और फेसबुक के साथ शेयर करना मतलब आप जानते ही हैं फेसबुक पर हम सब कितना भरोसा करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली यही है और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे हंगामा मचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अभी तक व्हाट्सएप ये कहता था कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जो है एड्स वगैरह नहीं दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों अब जो उसने पॉलिसी को चेंज किया है तो वहाँ पर व्हाट्सएप कहता है कि हो सकता है इन फ्यूचर हम हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी एड्स दिखाएं। अब यहाँ पर दोस्तों यदि व्हाट्सएप को एड्स दिखानी है हमारा उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसको दोस्तों ये तो पता करेगा ही वो कि किस चीज़ से रिलेटेड एड्स आपको दिखाया जाए, तो जिसके लिए आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी दोस्तों वो सेंड मतलब शेयर करें
करेगा ही करेगा एड्स कंपनियों के साथ में। तो यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट घुमा फिरा के ये चीज़ है, अब आपके हाथ में है दोस्तों कि आपको क्या करना है, व्हाट्सएप का यूज़ करना है। आप सोचिए कि आप बिना व्हाट्सएप के रह पाएंगे या नहीं। यदि दोस्तों रह पाते हैं तो आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं, उनके पास आप जा सकते हैं जिनमें फिलहाल अभी ऐसा कुछ इशू नहीं है। आगे चल के उनमें भी ऐसा कुछ इशू आया तो उसके बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिलहाल की कंडीशन दोस्तों ये है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी, जो वीडियो दोस्तों आपको जोर से पसंद आया होगा और जो चैट से रिलेटेड जिन लोगों को डाउट है उनको भी दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब से सब कुछ कर दीजिए, सर पे लगन प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलता हूँ दोस्तों मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।